और अब खबर सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर और अंतिम टावर ट्विन टावर पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। दोनों इमारतों को गिराने की डेडलाइन तय कर दी है। अब सुपरटेक को तय मियाद के भीतर 40 मंजिला इमारत को गिराना ही होगा। सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर पर फाइनल फैसला। दो हफ्ते में 40 मंजिला इमारतों को गिराने का ऑर्डर। नोएडा के सेक्टर 93 में खड़ी 40 मंजिला की ये दोनों इमारतें 14 दिनों के अंदर जमीन दोज हो जाएंगी। इन अवैध इमारतों को गिराने पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऑर्डर और क्लियर मैसेज दिया, नियम कायदे को ताक में रखकर मुनाफे का धंधा नहीं चलेगा। अदालत ने ट्विन टावर को गिराने के लिए सिर्फ 14 दिनों का वक्त दिया है। नोएडा सीईओ को इससे जुड़ी एजेंसियों की बैठक 72 घंटे में करनी होगी ताकि दोनों इमारतों को गिराने के प्लान को तय मियाद के भीतर अंजाम दिया जा सके। इससे पहले 12 जनवरी की सुनवाई में अदालत ने दोनों अवैध इमारतों को नहीं गिराने पर रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दो टूक कह दिया था, अगर खरीदारों के पैसे वापस नहीं हुए तो दोषियों को जेल भेज दिया जाएगा। पिछले साल 31 अगस्त को सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने 40 मंजिला ट्विन टावर को 3 महीने में गिराने का ऑर्डर दिया था। कोर्ट के ऑर्डर में साफ कहा गया था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। अदालत ने घर खरीदने वालों को बुकिंग के समय पूरे पैसे 12% ब्याज के साथ लौटाने को भी कहा था। इसकी डेडलाइन 28 फरवरी तय की गई है। अब नोएडा प्रशासन के सामने तय वक्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जमीन पर उतारने की चुनौती है। कोर्ट के रुख से साफ है कि हिलाल वाली और लेट लतीफी नहीं चलेगी। सिस्टम तोड़ने वालों पर कानूनी हंटर जरूर चलेगा।